एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक में स्थित बेगपुर मुंडा गांव पहुंची। इस समय कुलदीप को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 2000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। लगभग 950 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 285 राशन कार्ड धारक हैं, साथ ही 40 विधवा तथा 15 वृद्ध पेंशन लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 23 हैंडपंप लगवाए गए हैं व 12 हैंडपंप और सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 40 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में मरम्मत कार्य, लोहिया आवास के तहत 7 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 230 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। गाँव में ग्राम बेगपुर मुंडा, ग्राम पंचायत बेगपुर मुंडा, जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर, ब्लॉक हसनपुर। और जो भी ग्राम विकास में पैसा आता है मैं उसे पैसे को मैं लगा देता हूँ गांव में ही। जिस हिसाब से विकास की कमी है उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है विकास करने के लिए। और इसमें आवासों की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ग्राम पंचायत में बेगपुर मुंडा में। और लाइटिंग जो 230 आई थी मैंने वो बनवा दी है, 230 और 30 लाइटिनों की डिमांड और मैंने दी है, वो आ जाएंगी 2-4 दिन में, वो भी बन जाएंगी। ODF 15 या 20 दिन में ODF करवा दूंगा इस गांव को, ग्राम पंचायत बेगपुर मुंडा को। और आवासों की मैंने सूची दी है 55 प्रधानमंत्री आवासों की सूची दी है मैंने, वो देखो तब कब तक आते हैं सरकार, कब तक बनवाती है उन्हें। और ये जो क्या नाम है स्कूल पे जो स्कूल की जो ज़मीन है वो भी अवैध कब्जा है उस पर भी। और जो ग्राम सभा ज़मीन है गाँव के अंदर वो भी सब पे अवैध कब्जे हैं, जितने भी चकोड़ हैं ये सब अवैध कब्जे में हैं। अभी तक कोई ऐसा पिछले उसमें कोई काम नहीं हुआ ग्राम पंचायत में, जो भी कार्य हुआ है इसी साल में हुआ, इसी मेरे उससे ही माध्यम से कार्य हुआ है। और इसमें इंटरलॉकिंग मैंने कई जो भी रास्ता करवाया है, कच्चा रास्ता जो बंद था निकलने के लिए रास्ता नहीं था, वही मैंने उस पर इंटरलॉकिंग बिछवाई है। कोई मैंने खरंजा उखड़वाए के या पुराना कोई रास्ता बना हुआ उखड़वाएगा वो नहीं, कोई नहीं ऐसा कोई रास्ता नहीं बनवाया है। हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं कुलदीप चौधरी, ये बढ़िया काम कर रहे हैं, जो पैसा आता है ग्राम में लगाते हैं और जो पैसा आना चाहिए उस हिसाब से काम गांव में नहीं हो रहा, सरकार नहीं देख रही काम उनके लिए।